नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा के एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के साथ प्रेस वार्ता भी किया, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पूर्व से घोषित कार्यक्रम में दरभंगा के श्यामा रेसिडेंट होटल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के साथ एक प्रेस वार्ता किया। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 सालों में सिर्फ प्रचार प्रसार किया गया, मगर थोड़ा ट्रिपल कोई काम नजर नहीं आता। नीतीश जी अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मुख्यमंत्री नहीं। मेरी सरकार अगर आती है तो नियोजित नाम का कोई शब्द नहीं होगा। शिक्षक हो या कोई भी विभाग, सब में परमानेंट नौकरी का प्रावधान होगा, और जो नियोजित पर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने का सबसे पहले काम किया जाएगा। नीतीश जी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कोरोना महामारी में, बाढ़ में पूरे तौर पर विफल है। जिस विभाग का जो काम है और जिस विभाग में बहाली हुई है, उसी विभाग में ही काम करना होगा। उनसे कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। शिक्षक पढ़ने पढ़ाने के लिए बहाल किए गए हैं तो उनको सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाएगा। उनसे कोई दूसरा काम करवा कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत पर मैंने तो 1.5 महीना पहले ही कह दिया था, नीतीश बाबू अब जागे हैं, क्योंकि वोट की राजनीति उन्हें करनी आती है। इस प्रेस वार्ता में युवा जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव, युवा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह, पुतुल बिहारी एडवोकेट सुनील कुमार, अखिलेश जिला अध्यक्ष चांद आमिर, प्रदेश छात्र कार्यकारिणी अध्यक्ष आदि कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जो राम नदियों के बगल केवट के घर में बसता है, राम सुदामा के दिल में बसता है, राम मीरा के जज्बात में, राम सबरी के भक्तों में खोया हुआ। जब बिहार की वो जमीन जो सीता की जमीन डूबी हुई हो, सीता की धरती को डुबा कर अंधकार कर राजनीति का दीप कहां जला रहे हो मोदी जी? राम तो मेरे जीवन का आत्मसाद है, राम नहीं तो जीवन का मतलब क्या? कृष्ण शिव नहीं, रहीम नहीं, नानक नहीं तो मेरे जीवन का मतलब क्या? इन्हें राजनीति करना था, देश की जनता और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको गंदी राजनीति से खत्म कर दी। ये कोरोना वायरस दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत चला गया, जीडीपी कहाँ चली गई इस पर इसका कोई चर्चा नहीं है, चाइना क्या कर रहा है इस पर चर्चा नहीं है। इस 5 महीने में बिहार की जनता को मौत क्या सौदा किया, कोरोना को इस स्तर पर लाने में इस सुशासन का, नीतीश का सबसे बड़ी भूमिका है। मंत्री और इनके सेक्रेटरी को किट मिलता है दुनिया का सबसे सुंदर, और डॉक्टर को एक ग्लोव्स नहीं मिलता हो। और नीतीश कुमार से मैं पूछता हूँ, 23 डॉक्टर बिहार में मरे हैं, जो भारत में कहीं भी इतना डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर मरेंगे तो इलाज कौन करेगा नीतीश कुमार? और आपने यह पैदा किया, जब तमिलनाडु और दिल्ली पॉजिटिव केस को कम कर सकता है तो बिहार क्यों बढ़ा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और 3-3 सेक्रेटरी को क्यों हटना पड़ा? इसका मतलब है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए आपने सेक्रेटरी को इस समय में जब कोरोना वायरस की महामारी थी तो आप हटाए, इसलिए तरीके ही गलत। आपकी गठबंधन की सरकार किसके साथ गठबंधन करेंगे चुनाव में? जनता के साथ? ये आपको ये गठबंधन नहीं लगता? इससे बड़ा गठबंधन कहाँ होगा? सबसे बड़ा गठबंधन नहीं, इससे बड़ा गठबंधन तो कुछ है नहीं। और बताने दीजिए, अभी तो मिर्ची लगी है रामविलास पासवान जी के कहने पर, तो सही बात कहने पर मिर्ची क्यों लग रही है जनाब? आईना तो दिखाई दिया गया। और 15 साल सुशासन बाबू का जो ढोंग है वो हंडी के एक चावल से पता चलती है भात पक गई,
रामविलास जी ने एक चावल से ही दो चावल से ही बता दिया भात पक गई, मिर्ची ना लगे। मैं बधाई देता हूँ रामविलास जी को कि यदि आप ऐना दिखाए हैं तो रास्ता भी दिखाई। मायाघाट प्रखंड में अजीत राय की हत्या हो जाती है, अजीत राय की हत्या हो जाती है, शराब के नशे में छेड़छाड़ होता है, वहाँ पर मर्डर होता है, क्या शराब अभी भी सर्टिफिकेट दे दिया गया है? 4 करोड़ अमेरिका की स्कॉलर लेने वाली लड़कियों को छेड़ करके यूपी में मार देता है। बिहार में मर्डर पर चर्चा करना बंद कर दी, किस घर में लाश नहीं रहेगा इसकी चर्चा कीजिए। बिहार का मतलब है कंप्लीट मर्डरर बिहार, रेपिस्ट बिहार, ब्लैकमेलर बिहार नेताओं के द्वारा, भ्रष्ट बिहार, बिहार का मतलब ही यही बना दिया इन माफियाओं ने, राजनीतिज्ञों ने। और भोली भाली जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया ये आश्चर्य। इसलिए बिहार विचित्र है, मेरा बहुत क्लियर है, हर घर पे लाश है और शराब का मोज तो नेता पदाधिकारी और सत्ताधारी और विपक्ष के ठेकेदारों से पूछिए कि किस घर में शराब नहीं परोसे जा रहा है। सौ सीटों पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी कंप्लीट रूप से, और हम बिहार बचाना चाहते हैं। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने और सीतों से बहुत ज्यादा एक मजबूत और नए विकल्प को लेकर है जो सितंबर में आपको दिखे। फलना मोर्चा का ये मोर्चा बनेगा ही नहीं, एक विकल्प बनेगा, एक नई राजनीति की शुरुआत होगी और बिहार की जनता आजादी चाहती है, एक विकल्प ढूंढ रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की जनता को एक विकल्प। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।